हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो के जरिए हम लोग ये समझेंगे कि पिक्चर ट्यूब का कैथोड कैसे समझेंगे कि शॉर्ट है या नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पिक्चर ट्यूब में कुल तीन कैथोड बने होते हैं, जिसमें एक ग्रीन कैथोड होता है, एक रेड कैथोड होता है और एक ब्लू कैथोड होता है। तो अगर ग्रीन कैथोड शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में टेलीविजन की स्क्रीन पर ग्रीन कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होंगे, और अगर रेड कैथोड शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में टेलीविजन की स्क्रीन पर रेड कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होंगे, और अगर ब्लू कैथोड शॉर्ट कर जाता है तो उस स्थिति में टेलीविजन की स्क्रीन पर ब्लू कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होंगे। तो कैथोड शॉर्ट है या नहीं है, उसकी जांच कैसे करते हैं, तो आइए प्रैक्टिकली रूप से आज समझते हैं कि किस प्रकार से पिक्चर ट्यूब में बने हुए कैथोड की हम लोग जाँच करेंगे कि कैथोड शॉर्ट है कि नहीं है। में देखेंगे कि इसका गर्दन मोटा होता है और साथ ही साथ इसमें पिन जो निकले होते हैं उसकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक संख्या में पिन निकले होते हैं, जबकि थिन नेक में पिनों की संख्या कम होती है। तो यहाँ देखेंगे कि इस पिक्चर ट्यूब में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कहीं पिक्चर ट्यूब शॉर्ट तो नहीं कर गया है, और साथ ही साथ हीटर पिन की भी जांच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पिक्चर ट्यूब के जो है पिनों की गिनती कैसे करते हैं, वो तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, इसलिए पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो पिन सेपरेटर जो बना होता है उसके बीचों बीच एक पिन निकला होता है, जो कि पिन नंबर एक होता है। एक के बाद दो और तीन नहीं होते, सीधे चार नंबर पिन स्टार्ट होता है, चार, इसके बाद यह पाँच, फिर छः, छः के बाद देखेंगे कि यहाँ पर सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह, कुल मिलाकर इसमें बारह पिन होते हैं। तो इस पिक्चर ट्यूब में हम लोग जानते हैं कि पिन नंबर नौ और दस जो होते हैं वो हीटर पिन होते हैं। हीटर पिन को आपस में कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करे तो ये मानेंगे कि इस पिक्चर ट्यूब का हीटर जो है फ्यूज कर गया है, अर्थात पिक्चर ट्यूब फ्यूज कर गया है, ख़राब हो गया है। तो उस स्थिति में आपका टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट करते हुए, मल्टीमीटर के एक तार को अब जो है नौ या दस किसी एक पर रखेंगे और दूसरे तार को फिर दूसरे पिन पर रखेंगे। तो हीटर पिन हम लोग जानते हैं कि नौ और दस होता है, एक मल्टीमीटर का तार नौ पर फिट कर दिए और दूसरे के मल्टीमीटर के तार को 10 पर रख रहे हैं। जब रख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है। कंटिन्यूटी शो करने का अर्थ है कि इस पिक्चर ट्यूब का हीटर पिन सही है, और अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करे तो ये मानेंगे कि इस पिक्चर ट्यूब का हीटर फ्यूज कर गया है। उस स्थिति में टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावे और क्या है कि इसमें तीन कैथोड बने होते हैं। हम लोग जानते हैं कि पिक्चर ट्यूब में तीन कैथोड होते हैं, जो कि एक ब्लू कैथोड होता है, एक रेड कैथोड होता है और एक ग्रीन कैथोड होता है। हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से ये जान चुके हैं कि पिन नंबर इसका 11 जो होता है वो ब्लू कैथोड होता है, और ब्लू कैथोड को किसी भी स्थिति में अन्य पिनों से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्लू कैथोड हो या रेड कैथोड हो या ग्रीन कैथोड हो, किसी भी कैथोड को किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि इसके पिन नंबर 11 पर मल्टीमीटर के एक तार को फिट कर रहे हैं। तो देखिए, ये पिन नंबर 11 है, मल्टीमीटर के एक तार को अब एक पिन नंबर 11 पर फिट कर दिए और मल्टीमीटर के दूसरे तार को अब यहाँ पर दोनों को आपस में सटाएंगे, मल्टीमीटर को देखेंगे बीप की आवाज़ आ रही है, बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। अब क्या कर रहे हैं कि पिन नंबर 11 जो कि ब्लू कैथोड होता है उस पर मल्टीमीटर के एक तार को फिट कर दिए हैं और मल्टीमीटर के दूसरे तार को बारी बारी से अन्य पिनों पर रखेंगे। देखिए, यहाँ रखे, इसके बाद यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, बारी बारी से सभी पिनों पर हम लोग जब रख करके चेक करेंगे तो उस स्थिति में बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर रखते हुए चेक कर रहे हैं, तो किसी भी पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, अगर कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब का ब्लू कैथोड शॉर्ट कर गया है। उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर आपका ब्लू कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होगा, और चित्र तो प्राप्त होगा नहीं, केवल ब्लू कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होगा। तो शॉर्टिंग को कैसे दूर करते हैं वो आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इस प्रकार से ब्लू कैथोड को किसी भी परिस्थिति में अन्य पिनों से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम लोग ग्रीन रेड कैथोड की भी जाँच करेंगे और ग्रीन कैथोड की भी जाँच करेंगे। तो देखिए, ये जानते हैं कि पिन नंबर 12 होता है और ये 11 ब्लू कैथोड हो गया, 9 और 10 हीटर, और यहाँ जो 8 नंबर जो पिन होता है, आठ नंबर पिन के बारे में जानते हैं कि आठ नंबर पिन जो होता है वो रेड कैथोड होता है। तो देखिए, अब मल्टीमीटर के तार को रेड कैथोड पर फिट कर दे रहे हैं। अब मल्टीमीटर के एक तार को रेड कैथोड पर फिट किए और मल्टीमीटर के दूसरे तार को बारी बारी से अन्य पिनों पर रख करके चेक करेंगे। देखिए, यहाँ चेक किए, यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे,
इसी तरीके से बारी बारी से अन्य सभी पिनों पर हम लोग क्या करेंगे तो रख करके चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ चेक किए, फिर यहाँ चेक किए, सभी पिनों पर बारी बारी से रखेंगे और रखने पर किसी भी स्थिति में मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करे तब तो ठीक है, और अगर कंटिन्यूटी शो करे या बीप की आवाज़ प्राप्त होते यह मानेंगे कि इस पिक्चर ट्यूब का रेड कैथोड शॉर्ट कर गया है, उस स्थिति में पिक्चर ट्यूब को खराब मानेंगे। तो शॉर्टिंग को कैसे दूर करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक इसी प्रकार से ग्रीन कैथोड इसका पिन नंबर 6 होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इस पिन सेपरेटर के बीचों बीच जो पिन निकला होता है उसका पिन नंबर 1 मानते हैं, एक के बाद 2 और 3 नहीं होते हैं। यह 4, यह पिन नंबर 4 हो गया, यह 5 हो गया और यह पिन नंबर 6। 6 नंबर पिन पर अब मल्टीमीटर के एक तार को क्या कर रहे हैं कि फिट कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीमीटर के एक तार को कहाँ फिट कर रहे हैं, तो पिन नंबर 6 पर फिट करेंगे। तो ये 4, 5 और ये रहा 6 नंबर पिन पर अब मल्टीमीटर के एक तार को हम लोग फिट कर दिए। मल्टीमीटर के एक तार को पिन नंबर 6 पर फिट किए, अब मल्टीमीटर के दूसरे तार को बारी बारी से अन्य पिनों पर रख करके चेक करेंगे। तो किसी भी स्थिति में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रखे, इसी तरीके से यहाँ रखे, तो बारी बारी से सभी पिनों पर हम लोग क्या करेंगे कि रख करके चेक करेंगे और कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब सही है, और अगर ग्रीन कैथोड यानी कि किसी भी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब का ग्रीन कैथोड शॉर्ट कर गया है। उस स्थिति में आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पर ग्रीन कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होगा और चित्र प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर ट्यूब की शॉर्टिंग की जांच करते हैं और हीटर पिन सही है कि नहीं है उसकी हम लोग जाँच करते हैं। में हम लोगों को पिनों की कंटिन्यूटी जांच करके ये पता लगाते हैं कि पिक्चर ट्यूब सही है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हीटर पिन की कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं कि इसका हीटर पिन 4 और 5 होते हैं। तो यह पिन नंबर 3 होता है, 3 के बाद यहाँ पर 4 और 5, 4 और 5 नंबर पिन को आपस में कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब फ्यूज कर गया है। तो यहाँ रखेंगे एक मल्टीमीटर के तार को परमानेंट 4 पर फिट कर दे रहे हैं और दूसरे मल्टीमीटर के तार को 5 पर रखेंगे, और रखने पर हमको बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए एक यहाँ रख रहे हैं और रखने पर क्या होना चाहिए, तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। बीप की आवाज़ आने का मतलब है कि पिक्चर ट्यूब का हीटर पिन सही है, और अगर बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो 4-5 पर रखने पर मल्टीमीटर के तार को तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब फ्यूज कर गया है, उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद पिक्चर ट्यूब में 3 कैथोड पिन होते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि ब्लू कैथोड पिन नंबर 3 होता है, जबकि रेड कैथोड पिन नंबर 7 होता है और ग्रीन कैथोड पिन नंबर 9 होता है। तो पिन नंबर 3 यानी कि ब्लू कैथोड को किसी भी परिस्थिति में अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पिन नंबर 7 जो कि रेड कैथोड होता है, रेड कैथोड को किसी भी स्थिति में अन्य किसी भी पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। और पिन नंबर 9 जो होता है वह ग्रीन कैथोड होता है, इस पिन को किसी भी स्थिति में किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले अब हम लोग चेक करेंगे कि ब्लू कैथोड पर मल्टीमीटर के एक तार को फिट कर दे रहे हैं। ब्लू कैथोड पर मल्टीमीटर के एक तार को फिट किए, पिन नंबर 3 ब्लू कैथोड होता है। अब मल्टीमीटर के दूसरे तार को बारी बारी से अन्य सभी पिनों पर रखेंगे और रखने पर कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब शॉर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग की जांच करेंगे, सभी पिनों पर बारी बारी से रख करके चेक करेंगे और किसी भी पिनों पर पिन से पिन नंबर 3 को कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करे तो पिक्चर ट्यूब को सही मानेंगे, और अगर ब्लू कैथोड किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर ट्यूब शॉर्ट कर गया है। उस स्थिति में हम लोग शॉर्टिंग को कैसे दूर करेंगे वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेड कैथोड इसका पिन नंबर 7 होता है। तो अब मल्टीमीटर के तार को अब 7 पर फिट करेंगे, 7 पर फिट करेंगे, और फिट करने के बाद उसके बाद अन्य सभी पिनों पर बारी बारी से मल्टीमीटर के तार को रख करके चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक रख दिए परमानेंट, 7 पर रख दिए मल्टीमीटर के तार को, और अब बारी बारी से
अन्य पिनों पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके तार को रख रहे हैं। तो देखिए अब एक यहाँ रखे, यहाँ पर रखे, फिर यहाँ रखे, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर रखे, यहाँ पर अन्य किसी भी पिन से पिन नंबर 7 को कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर टिप सही है, और अगर पिन नंबर 7 यानी कि ग्रीन सॉरी रेड कैथोड किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर टिप शॉर्ट कर गया है। इसी तरह से पिन नंबर 9 जो कि ग्रीन कैथोड होता है, तो पिन नंबर 9 को किसी भी स्थिति में किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब रख दिए पिन नंबर 9 पर मल्टीमीटर का एक तार रखे, और बारी बारी से अब दूसरे तार को मल्टीमीटर के दूसरे तार को अन्य पिनों पर रखेंगे, और रखने पर कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ रखे, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, फिर यहाँ रखेंगे, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अन्य सभी पिनों पर मल्टीमीटर के तार को रख करके हम लोग क्या करेंगे, तो चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए फिर इसी प्रकार से यहाँ चेक किए, इस पिन से, फिर इस पिन से, इसी तरीके से सभी पिनों पर रख करके चेक करेंगे, और चेक करने पर कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं करे तो ये मानेंगे कि पिक्चर टिप सही है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझे कि कैथोड पिन नंबर जो ब्लू कैथोड होता है पिन नंबर 3, उस पिन को किसी भी स्थिति में किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से रेड कैथोड पिन नंबर 7 होता है, 7 नंबर पिन को किसी भी स्थिति में अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। और जो ग्रीन कैथोड पिन नंबर 9 होता है, उस पिन को किसी अन्य पिन से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो करे तो ये समझेंगे कि पिक्चर टिप शॉर्ट कर गया है।